इकट्ठा हो रहा, काम नहीं कर सकता, यहां आके खड़ा हो जाता, शर्म नहीं रही है? नहीं, भिखारी भी बनाओ तो कहां का, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ना तो वृंदावन को, मांग मांग टूक हरि भक्तन के खाओ, भृंगी को कीजे कीर या ही श्री वृंदावन को, राधा कृष्ण आठो याम भाओ। जो बनाना है ब्रज का बना दो, बंदर बना दो, मोर बना दो, भिखारी बना दो, पक्षी बना दो, धूल बना दो। कन्हैया कहने लगे, अरे भैया भी तेरे ऐसे भाग्य ना है, तू यहां को बने, तू मई जा, जहां ते आयो मई जा, और जल्दी जा, क्योंकि तुम्हारे यहां रह बैठे मेरी लीला में विघ्न पड़ रहे हो। और सुनो, तुमने अपराध नहीं करे हो, ये तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी सेवा है। क्या सेवा है, क्या सेवा है? बोले देखो, ये सब ब्रजवासी ना वो जिमामते गए, जिमामते गए, जिमामते गए, ये ले ओ, ये ले ओ, ये ले ओ, ये भी पाओ, ये भी पाओ, जाके घर ते न पामे बुई नाराज। और तुमने तो बड़ो अच्छो करो, जो आज तक ब्रजवासी मोते मिले नहीं है, जो ब्रजवासी मोह तक पहुंचे नहीं है, तुमने बड़ो बढ़िया कर दियो। कहा कर दियो? बोले आज वो ब्रजवासी बारिश के वजह से सब मेरे पास में आ गए, और उनने सबने में देख लियो, आज सबरे ने। जो भक्त को भगवान से मिला दे वो अपराध थोड़ी है, वो तो सेवा है। नहीं, हम लोग तो आजकल अपराध करते हैं, कोशिश ये करते हैं हम तो चले जाएं मंदिर लेकिन कोई और ना जाए, ऐसा नहीं। औरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए, सच्चा भक्त कौन है, सबको अपने सांवरिया के गीत खूब गा गा के सुनावे, जिससे लोगों का मन उस सांवरिया की तरफ खिंचा चला आवे, मेरे सांवरिया में दिल लग जावे, पूरा मन लग जावे, तो हम अपना कल्याण करें। अगर दूसरों को भी प्रेरणा दे दें और दूसरों का भी भला हो जाए तो बुरा ही क्या, करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने तो बड़ी सेवा करी है, ये तो सब वो जिमाए जिमाए के चले जामते, पर इन्हें लगायो भोग तेने मोकू पानी पिवायो है, इतनो भोग जिमाए दियो इन्हें, या के बाद इन्हें पानी की तो पूछी ना मोते, और अगर तुम इतनी वर्षा नहीं करते तो मैं प्यासो रह जाता हूं, तुमने तो बड़ो बढ़िया करो। अब एक बात बताओ, इतना दयालु है मेरे ठाकुर जी को छोड़ के कोई, मैं तुम्हारे घर में दो चार टैंकर पानी छुड़वा दूं, मानोगे, प्रसन्न होगे मुझ पे? महाराज दिल्ली में तो वैसे ही पानी की बड़ी कमी है, आपने बड़ा कृपा कर दिया, पांच सात टैंकर पानी आपने छुड़वा दिया फ्री में, ये सोच के खुश नहीं होगे आप? आप तो कहोगे महाराज देखो कितना कीमती ये था, क्या बोलते, फर्नीचर था, सब खराब कर दिया आपने, आपने बड़ा गड़बड़ कर दिया, आपको कहा किसने, आपके खिलाफ FIR करवाएंगे। ले, एक तो पानी भेजो फ्री में, ऊपर तेजी और ले, ऐसा स्वभाव सिर्फ मेरे ठाकुर जी का है। अपराध करने वाले को भी सेवा समझकर उसे क्षमा कर देते हैं, और ऐसे दयालु को छोड़कर अन्यत्र की उपासना करना यह अपराध है। ऐसे कृपालु को छोड़कर, ऐसे दयालु को छोड़कर दुनिया की उपासना करना ये कोई अच्छी बात है क्या? तुम्हें अपना भला नहीं, हमारे राम गोस्वामी बाबा कहते हैं, हित अनहित पशु पक्षी उजाना, सबको पता है मेरा भला किसमें, सबको पता है मेरा बुरा, पशुओं की बात है, पशुओं को भी पता है, तो हम पशु हैं क्या, हमें नहीं पता हमारा हित किसमें? खाना कमाना तो पशुओं का काम है, दो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान, माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगी, पानी का बुलबुला जैसे, कैसे, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी।
अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। जिंदगी भगवान एक क्षण में क्षमा कर देते हैं, ऐसे दयालु की शरण हम सबको जरूर लेनी चाहिए। और जो ऐसे दयालु की शरण ले लेते हैं उन्हें कभी कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो राधे, जोर से बोलना पड़े और जोर से। भगवान पिता रात्रि शरदो तपुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपासते।